मैंने तो जब से YouTube चैनल स्टार्ट किया है, मैं तो तभी से कह रही हूँ कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के अपने कोर्स को चूज़ करो, अपनी स्किल सेट देखो, ये देखो कि कौन सा ऑक्यूपेशन डिमांड में है अभी के हिसाब से नहीं, जब आप ग्रेजुएशन करके निकलोगे तब कौन कौन से ऑक्यूपेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कितनी सैलरी है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक कोर्स को चूज़ करो। एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि वो आपकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लें, और फिर क्योंकि पैसे आपके लगने पड़ते हैं यहाँ पे, मैं आके मेहनत आपको करनी होती है, फिर आपको आप कंप्लेन करते हो कि नहीं सैलरी ज़्यादा नहीं मिली या पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको होती है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया है कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस के बारे में जो सिर्फ 2024 में नहीं बट आने वाले 5-7 साल में आपको यही ऑक्यूपेशन सुनाई देंगे कि नहीं इन्हीं चीज़ों की डिमांड है, यही हाई पेइंग जॉब्स है। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर प्लीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाले फ्यूचर में कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना करें। तो जो मेरा पहला प्रोफेशन है वो है आर्किटेक्ट प्रोफेशन। आपको पता ही होगा कनाडा इज़ कम्प्लीटली फेलिंग इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले यहाँ पे लोग नहीं थे, और जब यहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ लोगों को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भर भर के बुला रही थी तब किसी का ध्यान नहीं गया कि उन लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए उनको एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो अब कनाडा इज़ कम्प्लीटली फोकस्ड अबाउट इस इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी एक अच्छा मतलब जो है वो खड़ा कर दें, बट आपको पता ही है कि इस चीज़ में टाइम लगता है, साल लगते हैं, क्योंकि वेदर जो है ऑलमोस्ट 3-4 महीने तो कनाडा ठंड में रहता है। तो इसी जो प्रोफेशन है आर्किटेक्ट प्रोफेशन, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। एक आर्किटेक्ट एक लैंड पे अच्छी सी प्लानिंग करके, अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके अपना पूरा जो ब्लूप्रिंट रहेगा वो बिल्डर को सबमिट कर देगा आगे की कंस्ट्रक्शन को शुरू करने के लिए, और इसकी जो एवरेज सैलरी है वो रहती है $100,000, तो जो कि बहुत ठीक है, ये एवरेज है। इनिशियल फेज में आपको ये सैलरी मिलती है जो प्रोविंसेस वाइज वेरी भी करती है, बट दिस इज़ दी एवरेज अमाउंट। तो इस प्रोफेशन का स्कोप आने वाले कुछ सालों में रहेगा एक घर, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने में, तो आप ये प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर सकते हो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। तो जो मेरा नेक्स्ट प्रोफेशन है वो है कंप्यूटर साइंस प्रोफेशन। इट इज़ अमंग द मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशन एंड ये हर साल 15% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। हाई पोटेंशियल इनकम है इसके अंदर, और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है कि आप कोई भी एक स्पेशलाइजेशन पकड़ के इसमें ग्रेजुएशन, मास्टर्स, नहीं तो उसके बाद भी आप कोई सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, और इनमें अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल कमी नहीं है। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इसके अंडर आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन्फो सिक्योरिटी मैनेजर, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, वेब डेवलपर एंड कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन रिसर्च एनालिस्ट। तो ये कुछ फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस के अंडर जिसके अंडर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, और ये मतलब कंपैरेटिव दूसरे प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी सस्ता भी रहता है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं रहती इसकी पढ़ाई, ये आप कंसिडर कर सकते हो। आपको पता ही है आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोफेशन है वो कुछ कंप्यूटर साइंस से ही मिलता जुलता है, पर काफ़ी अलग भी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, जो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जिसे हम साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं। आपके फ़ोन में अभी जितना भी डेटा है वो आजकल सब क्लाउड में सेव होता है, जीमेल की ड्राइव में सेव होता है, तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं एप्पल, जीमेल, फेसबुक, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करके रखें, जिसके लिए उन्हें चाहिए होता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कोई ब्रीच ना हो, और आपका डेटा जो है वो सेव रहे, और इनका दिमाग इतना तेज़ होना चाहिए कि जो हैकर होते हैं उनसे ये 4 कदम आगे ही हों। तो ये जो प्रोफेशन है आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है, क्योंकि लोग अभी से इस पोजिशन के बारे में अवेयर हैं, बट आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है और अच्छे से शाइन आउट करना है, क्योंकि ये वन ऑफ द हाई पेइंग जॉब्स भी है। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का। अक्सर हम AI के बारे में ये बात बोलते हैं कि AI जो है वो सबकी नौकरी खा जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही है, और ये हर इंडस्ट्री में पेनिट्रेट होगी, हर इंडस्ट्री AI के हिसाब से वर्क करेगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होंगी उनके लिए जो AI को बेहतर समझते हैं। और आज की डेट में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज रखते हैं, और जो लोग हैं वो ऑलरेडी करोड़ों में खेल रहे हैं,
तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी पढ़ाई डिफिकल्ट भी कहीं ना कहीं रहेगी, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है वो है वीडियो एडिटिंग और एनिमेटर्स का। अब चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग ले लो, एडवर्टाइजिंग ले लो या फिल्म इंडस्ट्री ले लो, हर जगह इनकी डिमांड है। ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो हम डेली अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं। हम जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टा की रील्स बनाने में, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाने में, उसमें भी हम एडिटिंग लेते हैं। पर जिस एडिटिंग की मैं बात कर रही हूँ वो एक प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग है। उसके लिए बहुत हाई लेवल और अमेजिंग स्किल सेट चाहिए होता है, जो टाइम के साथ जो है वो पॉलिश होता है। उसकी पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग प्रोफेशन है, जिसमें आप इंजॉय करके काम करते हैं, और ये आपको अलाउ करता है बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग करने में भी। बहुत ज़्यादा डोर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं कि आप सपोज इंडिया या किसी और कंट्री में बैठे बैठे अलग किसी कंट्री से जो है अपने प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं और डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। अब मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोफेशन है हेल्थ केयर के सभी तरह के प्रोफेशंस। अब कनाडा की हेल्थ केयर में जो हालत है वो तो मैं मतलब क्या ही बताऊं आपको कि उसमें क्या हालत है। मतलब ये अपने वेस्टर्न कंट्रीज के समाज में बस किसी तरीके से अपनी इज्जत ही बचा रहा है। जितने भी प्रोफेशंस हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, चाहे वो फार्मेसी है, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, और इवन दो जैसे जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होते हैं, जैसे हम यहाँ पे CCA बोलते हैं, वो भी हैं। तो भाई आप सब भर के आ जाओ, क्योंकि इन्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ केयर के बंदों की। इनकी हालत खस्ता हुई हुई है और ये पैसे भी बहुत अच्छे पे करते हैं। तो अगर आप इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपने इंडिया में भी पढ़ाई की हुई है तो यहाँ आ जाओ, आपको कुछ एग्जाम्स देने होंगे, वो क्लियर करने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे आपको जॉब जो है वो मिल सकती है। सैलरी अच्छी है, लोग नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो जितने भी प्रोफेशन है हेल्थ केयर के, आ जाओ, भर के आ जाओ। तो इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप कनाडा आ रहे हैं। इवन दो अगर आप नहीं भी आ रहे तो भी आपको पता होना चाहिए कि आने वाला दौर किन किन प्रोफेशंस का है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जिस पर आपकी पूरी की पूरी लाइफ बेस्ड होती है। अगर इस वीडियो ने थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो, अगेन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो। हैव फन, टेक केयर।